आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है उनके लिए खास करके जो ट्रेडिंग में नए नए आए हैं तो आज मैं बात करने वाला हूँ फाइव अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ बैड ट्रेडिंग मैं अमरदेव सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस तो पहला साइन जो है वो है इमोशनल ट्रेडिंग इमोशंस जो हैं दे आर वेरी गुड फॉर इन लाइफ बट नॉट गुड फॉर इन मार्केट बिकॉज जब आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो इमोशंस हैं दे ओवरटेक दे टेक ओवर योर रैशनल थिंकिंग और फिर आपके जो डिसीजंस हैं दे आर ट्रेडिंग डिसीजंस जो हैं यू आर टेकिंग देम इमोशनली सो यू आर नॉट लाइकली टू टेक गुड ट्रेडिंग डिसीजंस एंड आल्सो यू आर नॉट लाइकली टू मेक गुड रिटर्न तो इमोशनल शेयरिंग कैन बी वेरी एक्साइटिंग बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी डेंजरस इस बात को हमेशा याद रखना है दूसरा साइन जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट पर ज़रा भी ध्यान न देना या बहुत केयरलेस रहना होता क्या है कि जब भी आप मार्केट में आते हैं तो यू शुड भी मैंटली प्रिपेयर फॉर बहुत अ प्रॉफिट और अ लॉस जिस तरह से वर्ल्ड का जो बेस्ट बैट्समैन है वो हर एक बॉल पर छक्का नहीं मार सकता उसी तरह से आपको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में नहीं जाएगा लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने ट्रेड को लॉस वाले ट्रेड को मैनेज ना करके मिस मैनेज कर बैठते हैं जिससे उन्हें लंबा लॉस होता है तो इस साइन से बचना चाहिए कि क्या आप बहुत केयरलेस हैं किसी ट्रेड में या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं यदि आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है कि कैसे आप उसको मैनेज करना चाहिए ये सेकेंड साइन है थर्ड अर्ली वार्निंग साइन ऑफ बैड ट्रेडिंग है ओवर लेवरेज लेना मतलब बहुत बड़ा पोजीशन बना लेना कंपेयर टू द कैपिटल तो फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करता हूँ जिसमें पाँच हज़ार का मुझे प्रीमियम पे करना पड़ता है और मेरे अकाउंट में सपोज़ पचास हज़ार रुपये है तो मैं तो चाहूँ तो दस लॉट निफ्टी ऑप्शन कर सकता हूँ तो यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इसका मतलब है हाईली ओवर लेवरेज हो रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही ऑप्शंस में जब आप प्रीमियम बहुत कम पे करते हैं पोजीशन बिल्ड करने के लिए जनरली ये देखा गया है कि जो भी आपका कैपिटल है उसका आप दो परसेंट से मैक्सिमम तीन चार परसेंट से ज्यादा का पोजीशन किसी एक ट्रेड में ना बनाएं तो थर्ड जो अर्ली वार्निंग है ऑफ बैड ट्रेडिंग इज ओवर लेवरेज इससे भी बचना बहुत जरूरी है यदि आप मार्केट में सर्वाइव और थ्राइव करना चाहते हैं तो फोर्थ अर्ली वार्निंग ऑफ बैड ट्रेडिंग इज लैक ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान जब भी आप मार्केट में आते हैं या कोई भी ट्रेडर नया नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास एक एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई बस में बैठ जाता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि पहुंचना कहाँ है तो फिर क्या होगा आप उसके बारे में आप समझ सकते हैं तो उसी तरह से जब आप कोई पोजीशन को लेते हैं एंटर करते हैं तो आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो फॉर प्रॉफिट एंड फॉर लॉस लॉस होगा तो आप कैसे एग्जिट करेंगे किन कंडीशंस में एग्जिट करेंगे प्रॉफिट होगा तो आप किन कंडीशंस में एग्जिट करेंगे और देर इज अ वेरी नाइस सेइंग दैट टू बी राइट एंड टू सिट टाइट इज द टफेस्ट थिंग टू डू तो यदि आप प्रॉफिट में आपका ट्रेड है तो कैसे आप उस ट्रेंड को राइड करते हैं वो यदि आप सीखते हैं तो यू आर चांसेस ऑफ बिकमिंग हाईली सक्सेसफुल इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली तो ट्रेडिंग प्लान जो है यदि आप उस पर काम करते हैं तो दैट शोज कि यू आर सीरियस यदि आप ट्रेडिंग प्लान डिवेलप नहीं करते हैं इसका मतलब है यू आर नॉट सीरियस अबाउट द मार्केट्स तो यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव्स डेटा यूज कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग टर्म आ, इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज कर सकते हैं एंड फिफ्थ अर्ली वार्निंग साइन ऑफ बैड ट्रेडिंग इज लैक ऑफ डिसिप्लिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग एक ऐसा है एक फील्ड है जो आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है आप किसी भी भाव पे खरीद सकते हैं किसी भी भाव पे बेच सकते हैं तो आप में एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो जाता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू कैन नॉट बी नॉन सीरियस इन अ सीरियस बिजनेस तो यदि आप डिसिप्लिन तो नहीं रखते हैं मार्केट में तो आपको वॉर बफे भी नहीं बचा सकते हैं तो डिसिप्लिन इज द की फॉर सक्सेस इन ट्रेडिंग तो आज के लिए इतना ही दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ये जो फाइव अर्ली वॉर्निंग साइंस और बैड ट्रेडिंग है इन पर ध्यान देंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे तो यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें ज़रूर लिखें मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें टिल द टाइम वी मीट अगेन हैप्पी ट्रेडिंग Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.